हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाई और भगवान। एक बार एक आदमी नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने के लिए गया। तभी बाल काटते समय उन दोनों के बीच कुछ बातें शुरू हो गईं और वह दोनों ही बातें करते करते भगवान के बारे में बात करने लग गए। तभी नाई ने कहा कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तभी उस आदमी ने नाई से पूछा कि तुम भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तो नाई ने कहा कि भाई, हमारी दुकान के सामने मंदिर के बाहर जब तुम जाओगे तो तुम सब समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं और भगवान का नाम भी एक झूठ है। क्योंकि अगर भगवान होते तो इस दुनिया में इतने लोग कभी भूखे नहीं मरते और ना ही इतने लोग इन बड़ी बड़ी बीमारियों से तड़प कर मरते। इसलिए भाई, मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तभी उस आदमी को नाई की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वो उससे किसी भी बात पर बहस करना नहीं चाहता था और वैसे भी वो उसे किसी भी तरह से समझा नहीं पाता। तभी वो आदमी बाल कटवा कर उस नाई की दुकान से बाहर आता है और जब वो आदमी नाई की दुकान से खड़ा होकर उस मंदिर की तरफ देखता है तो वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए थे और उन गरीबों में एक गरीब व्यक्ति की दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। तभी वो आदमी वापस उस नाई की दुकान में जाकर उस नाई से बोला कि तुम्हें पता है, किसी भी बाल काटने वाले नाई का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, बल्कि नाई तो होते ही नहीं हैं। तभी वो नाई गुस्सा होकर बोला, अरे मेरा अस्तित्व क्यों नहीं है? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और अभी अभी मैंने तुम्हारे भी तो बाल काटे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं भाई, नाई नहीं होते। अगर वो होते तो क्या मंदिर के बाहर लंबी दाढ़ी और लंबे बाल वाला आदमी होता? तो नाई ने कहा कि भाई, जब कोई व्यक्ति अपने बाल कटवाने किसी के पास जाएगा ही नहीं तो नाई उसके बाल कैसे काटेगा। तभी आदमी ने नाई से कहा कि वह आदमी तुम्हारे पास बाल कटवाने नहीं आएगा तो क्या तुम उसके बाल काटने उसके पास नहीं जा सकते? आखिर वो एक गरीब आदमी है। तो उस नाई ने बहुत ही गुस्सा होकर कहा कि इस दुनिया में तो बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या मैं सबके पास बाल काटने जाता रहूँगा और वो भी बिना पैसों के? तो उस आदमी ने नाई से बड़े ही प्यार से कहा कि जिस तरह तुम किसी भी अन्य व्यक्ति की बिना दुकान में आए बाल नहीं काट सकते, ठीक उसी तरह भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर बिल्कुल विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते, तो इसलिए भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि उनके भी कुछ नियम होते हैं। और हाँ भाई, चाहे तुम्हारे या हमारे जैसे का अस्तित्व है और हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हैं, मगर हम किसी गरीब की सहायता बिल्कुल भी नहीं करते। और हम उनकी सहायता क्यों नहीं करते, क्या इसका जवाब है आपके पास? मेरे ख्याल से आप तो किसी गरीब को अपनी दुकान के आगे बैठने भी नहीं देते होंगे। इतना सुनते ही उस नाई ने शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लिया। तभी उस आदमी ने नाई से कहा कि भाई, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो हमें उसके बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से उस ईश्वर को दिल से याद करेंगे तो वह आपकी और आपके परिवार का हमेशा ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।